यहाँ पर हमारे सामने मंथली पेरोल शीट जो है, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है मंथली पेरोल शीट, और मंथली पेरोल शीट लिख के इसके नीचे लिखना है मंथ, और मंथ के आगे उस मंथ का जिक्र करना है, मतलब कौन से महीने की आप ये सैलरी बनाना चाह रहे हैं। साल के तौर पे अगर आप जनवरी की बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से क्लिक करके डेट पे जाके आपने यहाँ पर उस मंथ का जिक्र कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम जनवरी की सैलरी बनाना चाह रहे हैं तो इसका फॉर्मेट हम जनवरी के हिसाब से रख देते हैं। यहाँ पर हमने इसका फॉर्मेट रख लिया सपोज टू बी 1/1/2000, सॉरी जनवरी की बनाई, हाँ ठीक है, 1/1/2024 लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये सैलरी, असल में सैलरी जो जनरेट होती है ना वो महीने के आखिर में होती है, तो इस हिसाब से फिर हमें डेट यहाँ पे लिखनी चाहिए जो लास्ट डेट है 31/1/2024। तो ये जनवरी जो सैलरी का जो मंथ है वो जनवरी काउंट होगा। और फिर इसके आगे लिखना है बेनिफिट्स, और फिर इसके नीचे से हमें लिखना शुरू करना है सीरियल नंबर, एम्प्लॉय का नाम, बेसिक सैलरी, एजुकेशन, ट्रेवल, हाउस रेंट, टोटल अलाउंस, टोटल सैलरी, लोन, ईएमआई, टैक्स, लोन, अच्छा लोन ऑन ऑफ, ये इसकी किस्त कैलकुलेट करें ना करें उस हवाले से, और ज़कात, और इसके अलावा टोटल डिडक्शन और नेट सैलरी के ऑप्शन को आपने यहाँ पे लिखना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सबको यहाँ से लेके सेलेक्ट करना है यहाँ टॉप तक, और इसको कर देना है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज सेंटर करके यहाँ पे आना है सेल स्टाइल्स में, और यहाँ से क्लिक करना है टाइटल पे, इसको करना है बोल्ड, और इसको करना है इटैलिक, और इसका फॉन्ट साइज यहाँ से बढ़ा देना है, टॉप बॉटम सेंटर कर देना है। इसके बाद क्या करना है, इसको सेल स्टाइल्स में जाके, सेल स्टाइल्स में जाके आपने इसको हेडिंग वन में कन्वर्ट कर देना है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर कर देना है, और यहाँ से इसको आपने रैप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो रैप टेक्स्ट आप यहाँ से करेंगे। इसके बाद आपने इसका जो टोटल अनाउंस वाला सेल है उस तरह से, और इसको भी कुछ एडजस्टमेंट कर लेनी है। इसके बाद मंथ को आपने यहाँ पे सेलेक्ट करके मार्जिन सेंटर करना है, राइट अलाइन करना है, सेल स्टाइल्स में जाके इसको एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में रखना है, बोल्ड करना है, और इसको यहाँ से बढ़ा देना है। इसको यहाँ पे क्लिक करके जो इसका भी फॉर्म है इसका भी एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में रखना है, बेनिफिट्स को सिलेक्ट करके यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल अलाउंस तक मार्जिन सेंटर करना है, सेल स्टाइल्स में जाके इसको हेडिंग टू में यहाँ पे इस तरह से कर देना है, बोल्ड और इटैलिक कर दे ताकि इस तरह से नजर आए। इसको भी सिलेक्ट कर लें यहाँ से लेके डिडक्शंस के ऊपर, मर्ज एंड सेंटर कर दें, और यहाँ पर भी जाके इसको सेल स्टाइल्स में जाके इसको हेडिंग टू में कन्वर्ट कर दें, और फिर इसको भी बोल्ड एंड इटैलिक कर दें, ठीक है, ताकि ये इस तरह से नज़र आए। अब उसके बाद आपने करना ये कि इसको सबको सेलेक्ट कर लेना है, फिर इसको ऑल बॉर्डर्स एंड थिक बॉक्स बॉर्डर अप्लाई कर देना है, इनके ऊपर बॉर्डर्स जो है यहाँ से सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स एंड थिक बॉक्स बॉर्डर यहाँ पर लगा देना है, और यहाँ से इसको ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करके इसको मर्जन सेंटर कर देंगे, इसको सेलेक्ट कर देंगे, मर्जन सेंटर कर देंगे, मर्जन सेंटर कर देंगे, इसको सबको एक्स्ट्रा जितनी भी फील्ड्स हैं उनको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ये रहेगा नीचे वाले से, इनको सेल स्टाइल्स में जाके इनको हेडिंग टू में थ्री में जहाँ पर भी कन्वर्ट करना है, परसेंट वाले साइड पर क्लिक करके सेंटर कर दें इसको यहाँ से यहाँ तक, और इसको ऑल बॉर्डर्स थिक बॉक्स बॉर्डर कर दें इसको एंटर, तो यहाँ से भी इसको सेंटर, और यहाँ से भी इसको ऑल बॉर्डर और थिक बॉक्स बॉर्डर इसको अप्लाई कर दें, और इसको भी यहाँ से परसेंट साइन के ऊपर क्लिक करके परसेंट में कन्वर्ट कर दें, और सेल स्टाइल्स में जाके इसको भी हेडिंग टू में कन्वर्ट कर लें। अब इसको भी सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर करेंगे, फिर एक दफा फिर ऑल बॉर्डर थिक बॉक्स बॉर्डर करेंगे, ये इसका पूरा पैकेज बन गया इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जाके इसको फॉन्ट साइज़ को थोड़ा बढ़ा देंगे, और इसको भी ऑल बॉर्डर और थिक बॉक्स बॉर्डर करेंगे, ठीक है। फिर लेफ्ट राइट सेंटर कर देंगे, सिर्फ टेक्स्ट वैल्यूज़ को यहाँ पे लेफ्ट साइड पर अरेंज करेंगे, फिर जो ये वैल्यूज़ हैं जितनी भी, इनको हम कॉमा स्टाइल में स्टैंडर्ड वे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।
ये इस तरह से नज़र आएंगे, और ये फिर आपका शीट का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलेंगे इसके बाद इसको हम पेज सेटअप पे, और वहाँ ले जाके यहाँ पेज लेआउट के अंदर, और इसको यहाँ पे एडजस्ट कैसे करेंगे। बाई डिफ़ॉल्ट पहले ही आपको इस तरह नज़र आएगा, क्योंकि आप एक न्यू फाइल पे काम करेंगे, तो इसकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होगी और मार्जिन इसके नॉर्मल सेलेक्ट होंगे इस तरह से, तो तकरीबन शीट्स पर ही आ रहा होगा। अब इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेपर को सेट करेंगे आप A4 पर, और ओरिएंटेशन को आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर देंगे, क्योंकि ये कॉलम्स में ज़्यादा है। मार्जिन्स को कस्टम मार्जिन्स में जाके जो इसके लेफ्ट और राइट मार्जिन है उनको कम करके 0.25 पर क्लिक कर लें, ओके कर दें, तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा एडजस्ट करें, थोड़े से कॉलम्स को एडजस्ट करें जो अगर कम हो सकते हैं, तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ये शीट आपको एक पेज पर नज़र आ रही है, और इसको नॉर्मल व्यू पे करेंगे तो ये आपको इस तरह से नज़र आ रही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर हम जैसे इसके ऊपर फॉर्मेट वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए होम में जाएंगे और इस पर कोई भी एक बेहतर किस्म का फॉर्मेट, जैसे कि इसका बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, जैसे कि हमने इसको एक ग्रीन कलर के साथ सेट कर दिया, और इसको जो है इसके ऊपर वाइट फिर ये ऑप्शन दे दिया, नीचे जाके इसको हमने लाइट राइट उसके साथ कर दिया, सॉरी इसको लाइट ग्रीन के साथ कर दिया, और जो टेक्स्ट थे उनको डार्क ग्रीन के साथ कर दिया, और फिर सिमिलरली जैसे अलाउंसेस थे तो उनको थोड़ा सा और डार्क ग्रीन कर दिया, और जो डिडक्शंस थी उनको थोड़ा सा हमने लाइट रेड कर दिया, इस तरह से नज़र आए। और फिर यहाँ पर जो हमारा ये हिस्सा बन रहा है इसको क्लिक करके थोड़ा सा हम इसको क्लिक करके ये इसको इसी के साथ बना लेते हैं, एक ये कलर यूज़ कर लेते हैं और एक थोड़ा सा ग्रीन का कलर कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों को यूज़ कर लेंगे, एक पर वो यूज़ करेंगे और दूसरे पे जो ग्रीन वाला है वो यूज़ करेंगे, इससे जो कलर कंट्रास्ट है वो उससे पहले से बेहतर बनेगा, तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो हैशेस बने हुए आ रहे हैं, ये हैश इसलिए बने हुए आ रहे हैं हमारा कॉलम की विड्थ कम है, तो फिलहाल अभी हम इस वाले कॉलम को थोड़ा कम कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेते हैं, तो ये एडजस्ट हो जाएगा, तो ये अभी सेट हो गया। लेकिन फिर भी अगर कल को इस कॉलम में भी डेटा आएगा तो वो भी बड़ा है, तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सैलरी वाले कॉलम को कम कर लेते हैं और यहाँ से इस वाले कॉलम को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एडजस्टेबल हो गया है ताकि ये नॉर्मल से डेटा नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर जैसे कि कुछ ऑप्शंस को देखें कि यहाँ पर आ रहा होता है, हमने देखा था क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट और क्लियर कंटेंट्स, तो इससे पता है आपको क्या हो रहा था। अगर हम किसी भी डेटा को सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, यहाँ से कहेंगे क्लियर ऑल, तो वो क्या करेगा, इसका सारा का सारा डेटा जो है भी डिलीट कर देगा और स्टाइल भी डिलीट कर देगा। अगर हम करेंगे क्लियर फॉर्मेट तो इसके ऊपर से स्टाइल ख़त्म होगा, ठीक है, और अगर हम करेंगे क्लियर कॉन्टेंट्स तो इसके अंदर का डेटा ख़त्म हो जाएगा, स्टाइल अपनी जगह पर बाकी रहेगा। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ फाइंड के ऑप्शंस भी हैं जिसपे हम फाइंड की कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे हम कहीं भी रख के यहाँ से फाइंड पे क्लिक करेंगे और फाइंड पे जाके आप यहाँ पे कोई भी एक नाम लिख लें, जैसे हमने अली लिखा और इसको फाइंड नेक्स्ट कर दिया, तो देखें यहाँ पे अली सेलेक्ट हो गया, सर्च हो गया। इसके बाद अगर हमें कोई वैल्यू सर्च करनी है, मिसाल के तौर पे 1440 की वैल्यू को सर्च कर लेते हैं, तो इसमें अगर वो वैल्यू होगी तो उसको सर्च करेगा, लेकिन अगर वो वैल्यू कॉमा के साथ है तो फिर हम कॉमा के साथ लिख के देखें, फिर उसके साथ हमें पॉइंट के साथ 20 भी लगाने पड़ेंगे तो ही ये उसको सर्च कर पाएगा कम्प्लीटली, क्योंकि इस पर कॉमा स्टाइल अप्लाइड है, शायद इस वजह से इसको सर्च नहीं कर पा रहा। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर फाइंड में जाके यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है रिप्लेस का, रिप्लेस की कमांड जैसे डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से कि किसी नाम की जगह कोई दूसरा नाम लिखना है, जैसे कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है सज्जाद अली तो उसकी जगह कुछ और लिखना है, तो रिप्लेस पे क्लिक करके यहाँ पर हम लेंगे ऊपर की तरफ सज्जाद अली, और नीचे हम लिख लेंगे सपोज टू बी मुख्तार अहमद, तो जैसे हम इसको कहेंगे पहले फाइंड करा लेते हैं, तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे, इसने फाइंड कर लिया, रिप्लेस करने पर वहाँ से उस डेटा को इसने चेंज कर दिया, तो ये कमांड इस तरह से इस पर काम कर सकती है। अब गो टू स्पेशल पे काम बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट कमांड्स हैं जिससे ये मुख्तलिफ जगहों पे सर्च करेगा या मूव हो सकता है, जैसे कि अगर हम कहें ब्लैंक्स तो ओके करने पे ये ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर लेगा, मतलब जो भी एरिया ब्लैंक होंगे उनको सिलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस डेटा के अंदर से सिर्फ ब्लैंक्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से फाइंड पे जाएंगे और यहाँ से गो टू स्पेशल पे क्लिक करके हम कहेंगे ब्लैंक्स, तो ये क्या करेगा, जो भी ब्लैंक सेल होंगे उनको सिलेक्ट कर लेगा, ये देखिए जिसमें पहले से कुछ टाइप नहीं हो, हाँ जिसमें डैश आ रहा है उनको सिलेक्ट नहीं किए, हालांकि वो ब्लैंक है लेकिन उनके अंदर डैश ऑलरेडी शो हो रहा है इसलिए उसने उनको सिलेक्ट नहीं किया। बाद में जो ये सिलेक्ट हुए हैं उनके साथ हम कॉपी भी कर सकते हैं, उनको कट भी कर सकते हैं, उनको डिलीट भी कर सकते हैं, ये हम इसके साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह से फाइंड में अगर हम दूसरे ऑप्शन की तरफ देखें तो यहाँ पर दो किस्म के ऑप्शन और हमें नज़र आएंगे गो टू स्पेशल के अंदर, जैसे
ब्लैंक हो गया, करंट रीजन हो गया, करंट एरे हो गया, फॉर्मूला कांस्टेंट। अब यहाँ पे कांस्टेंट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो कांस्टेंट के अंदर हमारे पास जो नंबर्स में हैं, टेक्स्ट हैं, लॉजिकल्स हैं, एरर्स हैं, उन सब में से सबको सेलेक्ट कर लेगा, ओके करेंगे। तो यानी कि ये बता रहा है कि ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ और ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई फार्मूला या किसी तरह का प्रोसेस नहीं हुआ हुआ, ये डायरेक्टली लिखी गई हैं और इन वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली आपको सॉरी आपको लिखना होगा, टाइप करना होगा, जब भी जाके इनके ऊपर फार्मूला काम करेगा। मतलब किस तरह, देखें ये वैल्यू वैल्यूज़ पे तो फार्मूला अप्लाइड है, मैंने फार्मूला लगाया हुआ इसमें, जब हम पढ़ेंगे फार्मूला के बारे में उसको देखेंगे, लेकिन इन वैल्यूज़ पे कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ। अब किस वैल्यू पे फार्मूला है और किस वैल्यू पे फार्मूला नहीं, इसको हम कैसे जज करते हैं? इसका एक बहुत आसान सा तरीका है इसको जज करने का। उसका जज करने का तरीका ये है, जिस सेल पर आप क्लिक करें अगर उस सेल का डेटा आपको यहाँ पर नज़र आता है फार्मूला बार में, तो इसका मतलब उसमें जो मौजूद वैल्यूज़ हैं वो उसी सेल की हैं, और जिस सेल पर आप क्लिक करें और उसमें आपको वो वैल्यू नज़र ना आए और आपको एक फार्मूला नज़र आए, तो इसका मतलब ये है कि उस सेल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो उस सेल की नहीं है, वो फार्मूले की मदद से कहीं ना कहीं से कोई कैलकुलेशन करके वो वैल्यू ला रहा है। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है इनके अंदर, देखें ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है और ये एक फार्मूले की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है फाइंड में और भी ऑप्शंस हैं जिनको हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कॉपी में और पेस्ट में, यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है हमारे पास। जैसे कॉपी में हम नॉर्मली अगर शीट को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं तो डायरेक्टली हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन ये है जिसमें हम ऐसा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये डेटा कुछ इस तरह से है, अगर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और इसको कहीं भी कहीं पर दूर शीट में या कहीं और भी ले जाके इसको पेस्ट करता हूँ, तो ये ऐसे ही पेस्ट हो जाएगा जैसा कि ये था। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट के नीचे क्लिक करके पेस्ट ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ। पेस्ट ट्रांसफॉर्म से क्या होता है, जो डेटा होता है रो का वो कॉलम में हो जाएगा, और अगर आपने उसको कॉपी किया है कॉलम में और उसको पेस्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो रोज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि रो का डेटा कॉलम में और कॉलम का डेटा रो में। ट्रांसफॉर्म यानी कि हर दफ़ा ऑपरेशन को रिवर्स करे, इन्वर्स करेगा। मतलब अगर आपने डेटा कॉलम का कॉपी किया है और यहाँ से जाके पेस्ट ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो कॉलम में हो जाएगा, और अगर वो कॉल पूरा आपने इस तरह से एक कॉलम का डेटा कॉपी किया और उसको यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो वो डेटा रो में पेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ इस तरह से हो रही होती है, और उसके बाद राइट बटन दबा के डिलीट कर देते हैं इसको हम यहाँ से इंटायर कॉलम्स, तो ये सारे कॉलम्स यहाँ से डिलीट हो गए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के मामला जो है यहाँ पर इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप इस शीट को डिज़ाइन कर लें और डिज़ाइन करके इसको सेटअप करें पेज का, और देखें कि आपके पेज पे सही आ रही है क्या आ रही है, इसके मार्जिन्स आगे पीछे के। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि कौन से कॉलम्स को कहाँ पे मर्ज करना है वो यहाँ से आप इसका डिसाइड करेंगे, सही है, समझ में आ रही बात ये।